हटो जी, जब देखो तब तुम्हें मस्ती ही सूझते रहती है। जानू मेरी बात मान लो ना। मुझे पता है फिर से तुम मुझे पढ़ने के लिए ही बोलोगे। मुझे नहीं पढ़ना है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मैं पढ़ के क्या करूंगी? ठीक है जाओ, तुम्हारी जो मर्जी मैं करो। मैं सोनम गुप्ता। ओ सोनम गुप्ता, बेवफा, बताइए क्या काम है? ये लेटर पंकज जी को दे देना। ये लेटर बहुत जरूरी है, पंकज जी को दे अच्छा, देना। अच्छा ठीक है, दे दूंगी, तुम जाओ। ये कल मुई कौन थी? ऐसा तो नहीं कहीं पंकज जिसके चक्कर में फंसा है? मेरी सौतन बनना चाहती है क्या वो? अगर ये लेटर अपने बेटे से पढ़वाया तो बाप की बदनामी होगी, अगर बाहर वालों से पढ़वाया तो घर की बदनामी होगी। क्या करूं मैं? मम्मी बोलो का का खा खा। अरे दीपक तुम आ गए। हाँ मामा, तुम पेपर। हाँ बेटा। मुकेश पांडे को कांटी के प्रमुख और रेखा देवी को उप मुख्य पद का ताज मिला। सवास मामा, तुम तो बहुत जल्दी पढ़ना। हाँ बेटा, पढ़ना तो बहुत जरूरी था ना। देखा, मैंने तुम्हें पढ़ना सिखा दिया ना। ये सब और किसी चीज के लिए नहीं, बस तुम्हें पढ़ना सिखाने के लिए था। प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे तुम आ गए। कैसी लगी पढ़ाई वाली सौतन? अच्छी लगी, मगर तुम चले मत जाना उस चुड़ैल के पास, मगर उसके चक्कर में मत फंस जाना। ना बाबा ना, एक से ये हाल है, पता नहीं दूसरी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा।